दोस्तों, डायनासोरों के बारे में आमतौर पर अनेकों गलत फहमियाँ फैली हुई है, जिनमें से सबसे बड़ी गलत फहमी ये है कि डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। हालांकि आज अधिकतर प्रजातियों के डायनासोरों का वजूद धरती से मिट गया है, लेकिन वर्तमान में भी कुछ छोटे डायनासोर हमारे बीच में हैं, जिन्हें आज हम पक्षियों के नाम से जानते हैं। ये पक्षी अतीत में छोटे डायनासोर ही हुआ करते थे, जो उस तबाही से बच गए जिस तबाही के कारण अन्य बड़े डायनासोर मारे गए। ये भी एक गलत फहमी है कि सभी डायनासोर बेहद खतरनाक जीव हुआ करते थे। बेशक डायनासोर घातक शिकारी थे, किंतु कुछ शाकाहारी प्रजातियों के डायनासोर बेहद ही शांत और सीधा स्वभाव रखते थे। वहीं मांसाहारी डायनासोर बहुत ही खूंखार होते होंगे, क्योंकि शिकार करने के लिए खूंखार बनना ही पड़ता है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम पृथ्वी पर विचरण करने वाले सबसे खूंखार डायनासोरों के बारे में ही चर्चा करते हैं। कार्केरोडोंटोसोरस। कार्केरोडोंटोसोरस सुनने में बड़ा अजीब सा नाम लगता है। हालांकि इस नाम का अर्थ होता है एक ऐसी छिपकली जिसके दांत शार्क जैसे हों। दरअसल इस डायनासोर के दांतों की संरचना किसी आरी के समान थी, जिनसे शिकार की चीर फाड़ में आसानी रहती थी, और ये दांत करीब 8 इंच लंबे हुआ करते थे। इस डायनासोर के 4 फीट लंबे जबड़े में ऐसे दांतों की संख्या 40 हुआ करती थी, यानी कार्केरोडोंटोसोरस पल भर में ही अपने शिकार को नोच खाता होगा। वास्तव में कार्केरोडोंटोसोरस के जबड़े में फंसा दूसरा डायनासोर तुरंत ही अपने प्राण त्याग देता था। ये डायनासोर विशाल आकार के मांसाहारी थे, जो करीब 42 फीट लंबे और 13 फीट ऊंचे होते थे एवं करीब 20,000 किलो भारी भी रहे होंगे। कार्केरोडोंटोसोरस को टीरेक्स का प्रतिद्वंदी माना जाता है। ये अंदाजा लगाया गया है कि शिकार के लिए टीरेक्स और कार्केरोडोंटोसोरस में खूनी जंगें चलती ही रहती होगी। वैसे कार्केरोडोंटोसोरस के अब तक मिले जीवाश्मों से ये ज्ञात हुआ है कि ये डायनासोर 9 करोड़ साल पहले ही विलुप्त हो चुका था, यानी ये पृथ्वी पर उल्का गिरने की तबाही से पहले ही मारा जा चुका था। वैज्ञानिक मानते हैं कि कार्केरोडोंटोसोरस के खात्मे के बाद ही टीरेक्स फल फूल पाए होंगे। इस डायनासोर के दांत और पंजे इतने नुकीले होते थे कि एक बार के हमले के बाद ही ये शिकार के चिथड़े उधेड़ देता था। भारी शरीर होने के बावजूद भी कार्केरोडोंटोसोरस अपनी मजबूत टांगों के दम पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से दौड़ लेता था। ट्रूडोन। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि डायनासोर वर्तमान मगरमच्छों या छिपकलियों जैसे कम बुद्धि रखने वाले जीव थे, तो आप गलत हैं। वैज्ञानिकों ने डायनासोरों की खोपड़ी में मौजूद दिमाग के स्थान की जांच कर ये पता लगाया है कि डायनासोर बेहद बुद्धिमान थे, और ट्रूडोन को सबसे बुद्धिमान डायनासोर माना जाता है। हालांकि ट्रूडोन बहुत शक्तिशाली नहीं होते थे, ये सिर्फ 4.5 फीट ऊंचे और वजन के मामले में करीब 90 किलोग्राम ही भारी हो पाते थे, किंतु ट्रूडोन का तेज दिमाग ही इस डायनासोर को बहुत खतरनाक बना देता था। यह माना जाता है कि ट्रूडोन का दिमाग इतना तेज था कि ये केवल झपटकर नहीं बल्कि रणनीति बनाकर शिकार करते थे, और ये डायनासोर पत्थरों आदि को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लेना जानते होंगे। ट्रूडोन के अधिकतर जीवाश्म पहाड़ियों और पथरीले इलाकों के आसपास ही पाए गए हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि ट्रूडोन अपने शिकार को पहाड़ी इलाकों और खाइयों में घेर कर मार डालते थे। ट्रूडोन झुंड बनाकर हमला करते थे और झुंड में सबके काम बटे हुए थे। जैसे झुंड के कुछ सदस्य शिकार को खदेड़ना शुरू करते थे, और चूंकि पहाड़ी इलाकों में भाग निकलने के रास्ते कम होते हैं, इसलिए झुंड के सबसे तगड़े सदस्य पहले ही उन रास्तों पर आगे जाकर खड़े हो जाते थे। वहीं छोटे और कमजोर सदस्य ऊपर पहाड़ियों पर चढ़कर वहां मौजूद पत्थरों को शिकार के ऊपर लुढ़काते हुए गिरा देते थे। इस तरह से चौतरफा हमला करके छोटे आकार के ट्रूडोन बड़े से बड़े शिकार को मार गिराते थे। ट्रूडोन के पूरे शरीर पर वर्तमान पक्षियों की ही भांति लंबे बाल होते थे, और इस डायनासोर की पूंछ पर भी पक्षियों की ही भांति पंख मौजूद होते थे। वेलोसिरैप्टर। वेलोसिरैप्टर भी काफी बुद्धिमान डायनासोर थे, जो तेज दिमाग के साथ साथ बहुत ही खतरनाक हमलावर भी थे। वेलोसिरैप्टर्स के लंबे पंजों वाले पैर बेहद ही शक्तिशाली हुआ करते थे, जिनके लंबे नाखून पल भर में ही शिकार को चीर डालते थे। दौड़ते समय तेज गति हासिल करने के लिए वेलोसिरैप्टर इन पंजों को ऊपर उठा लिया करते थे, एवं शिकार के पकड़े जाने पर ये पंजे हमला करने के काम आते थे। वेलोसिरैप्टर की हड्डियां वर्तमान पक्षियों की ही तरह खोखली होती थी, इसलिए काफी हल्का वजन रखते थे। ये अधिकतम 40 से 50 किलो ही भारी होते थे, किंतु इनकी टांगें बहुत मजबूत थी। इनकी मजबूत टांगों और हल्के शरीर को देखकर वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि यह डायनासोर कमाल की गति रखता था। अंदाजन एक वेलोसिरैप्टर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक रफ्तार से, यानी किसी चीते जितनी तेज रफ्तार से दौड़ लगा लेता होगा। तेज गति हासिल करने के लिए वेलोसिरैप्टर खुले मैदानों एवं रेगिस्तानी इलाकों में रहना ही पसंद करता था। इस डायनासोर के अधिकतर जीवाश्म मंगोलिया और चीन के रेगिस्तानी इलाकों में ही खोजे गए हैं। इन इलाकों में कभी वेलोसिरैप्टर का ही राज चलता था। हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क में वेलोसिरैप्टर डायनासोर को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाया गया है। फिल्म के एक दृश्य में जुरासिक पार्क में सैर करने गए कुछ इंसान जब एक रसोई घर में फंस जाते हैं, तो वेलोसिरैप्टर मिलकर उन इंसानों पर हमला करते हैं। इस दृश्य को संपूर्ण जुरासिक फिल्म का सबसे बेहतरीन दृश्य माना जाता है। डियोनिक्स।
दोस्तों डियोनोनिक्स भी हल्के वजन के और बेहद फुर्तीले डायनासोर हुआ करते थे। इनका अंदाजन वजन 70 से 100 किलोग्राम ही रहा होगा। हल्का शरीर होने के कारण डियोनोनिक्स भी काफी तेज गति से दौड़ लगाते हुए अपने शिकार को धर दबोचते थे। झुंड बनाकर शिकार करने वाले डियोनोनिक्स भेड़ियों की तरह अन्य बड़े डायनासोरों पर टूट पड़ते थे और उन्हें मार गिराते थे। ये माना जाता है कि डियोनोनिक्स जैसे डायनासोरों से ही आज के पक्षी विकसित हुए हैं। डियोनोनिक्स के पास पक्षियों की ही भांति काफी बड़ा और घना फर हुआ करता था और इनके हाथों की आकृति भी वर्तमान पक्षियों के पंखों से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि इनके हाथों के पंख काफी छोटे होते थे, इसलिए डियोनोनिक्स उड़ तो नहीं पाते होंगे, किंतु ये माना जाता है कि डियोनोनिक्स 30 फीट से अधिक ऊंची छलांग मार देते थे और छलांग मारते समय ये अपने पंखों को हवा में फड़फड़ाते हुए हवा में ही अपनी दिशा बदलकर शिकार पर भयानक हमला भी करते थे। इस डायनासोर की सबसे बड़ी खूबी थी इनके पैरों के अंगूठे में स्थित शानदार नाखून। ये नाखून बहुत ही मजबूत, नुकीला और 5 इंच से भी अधिक लंबा हुआ करता था, जिससे किसी तलवार की भांति डियोनोनिक्स अपने शिकार को चीर डालता होगा। डियोनोनिक्स के जीवाश्मों का अध्ययन करने से पता चला है कि इस डायनासोर का जबड़ा पतला और कमजोर था, यानी डियोनोनिक्स न सिर्फ अपने अंगूठे से शिकार को मारता होगा बल्कि इसी अंगूठे के नाखून की मदद से शिकार को छोटे टुकड़ों में चीरने के बाद ही खा पाता होगा। टीरेक्स यानी टायरेनोसोरस रेक्स को डायनासोरों का राजा माना जाता है। ये सबसे विशालकाय मांसाहारी डायनासोर थे जो 45 फीट ऊंचे और करीब 15,000 किलोग्राम तक का वजन रखते थे। ये माना जाता है कि टीरेक्स की खाने की जरूरतें बेहद अधिक थी। ये डायनासोर एक ही बारी में पूरी भैंस को खा जाने की क्षमता रखता है। खाने की इतनी अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए टीरेक्स लगातार शिकार करता रहता था, यानी ये जिस ओर जाता उसी ओर तबाही शुरू हो जाती थी। टीरेक्स के जीवाश्मों का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस डायनासोर के नथुने काफी चौड़े थे और इनमें अनेकों गंध प्राप्त करने वाले रिसेप्टर थे, यानी इस डायनासोर की सूंघने की शक्ति कमाल की थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि टीरेक्स के सूंघने की शक्ति संभवतः अब तक पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणियों में सबसे तेज रही होगी। ये माना जाता है कि ये 1 किलोमीटर की दूरी से भी अपने शिकार की गंध प्राप्त कर लेता था और शिकार के नजदीक पहुंच जाता था, और जैसे ही इसकी नजर शिकार पर पड़ती तो शिकार की मौत निश्चित ही होती थी। टीरेक्स के सभी जीवाश्म उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा में पाए गए हैं। टीरेक्स अकेला रहना पसंद करते थे। इनके जीवाश्म एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर खोजे गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये घातक शिकारी बहुत ही बड़ा इलाका बनाकर रहता था एवं एक दूसरे से इलाका हड़पने के लिए दो टीरेक्सों के बीच खूनी जंगे भी जरूर होती होगी। दोस्तों डायनासोरों का इतिहास अपने आप में अनूठा एवं बेमिसाल रहा है। हम इंसानों को इस पृथ्वी पर आए कुछ लाख साल ही हुए हैं, किंतु डायनासोरों ने करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया है। ये सोचना काफी अजीब लगता है कि भूमि के जिस टुकड़े को आज हम अपना मानते हैं, अपना घर या दुकान बतलाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, भूमि के उन्हीं टुकड़ों के लिए कभी विशालकाय और खूंखार डायनासोर भी आपस में लड़ते थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।